शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम आजकल सिट के आसपास इसीलिए मंडरा रही हो ताकि वो तुम पे तरस खा के इस बच्चे को अपना नाम देते? केत, शैल वी डांस? आशी, ये लो एप्पल। ये खाने से ना बच्चे की सेहत बहुत अच्छी होगी और उसके जो गाल है ना वो लाल लाल होंगे। लो। हाँ, मैं नहीं खाऊं। राम जी, कुछ कीजिए कि हम वेदी की प्रेगनेंसी की बात सबके सामने ला सके ताकि जो प्यार और फिक्र प्रेगनेंसी के वक्त एक होने वाली माँ को मिलनी चाहिए वो उन्हें मिल सके। बस जैसा सोचे है वैसा हो जाए, नकुल आ जाए। हेलो, अरे गीत मुझे कुछ दिखाई नहीं दे, गीत बाल पीछे करो गीत। Shut up! बहुत हंसी आ रही है ना, तो तुम डांस करके दिखाओ फिर देखते हैं किसकी केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी है, मेरी और सिट की या फिर तुम्हारी और इस आशी की। चैलेंज, मौके की तलाश में तो रहते हैं। अब देखो हमारा जलवा, आओ आशी डांस करके दिखाओ सबको। आ जाओ, छोड़ो हमारा हाथ, हम कोई डांस नहीं करेंगे। तुम जानते नहीं कुणाल, ये चैलेंज मैंने जानबूझ के दिया है। अब आगे आगे देखो और कितने झटके देती हूँ। हम तो इसी मौके की तलाश में रहते हैं। अब देखो हमारा जलवा। हाँ, कहाँ है जलवा? तुम्हारी ये पत्नी तो डांस भी नहीं करना चाहती। लानत है तुम पे कुणाल। आई मस्ट एडमिट गाइस, अमित अंकल और अमृता आंटी के बेटे बहू किसी काम के नहीं है। Am I right? आशी, अब इज्जत पे बात आ गई। हमारी बेइज्जती ठीक है, लेकिन बाबा कुणाल, हम डांस करेंगे। ये प्रेग्नेंट है, मुझे नहीं लगता ये डांस कर सकती है। क्यों नहीं कर सकते? प्रेग्नेंट है, बीमार नहीं है। हम डांस करेंगे। म्यूजिक टेकर। ओके, लेट्स डांस।
से उतरे थे, फिर उतने मौसम गुजरे वो पक्के दो बेचारे, फिर उतने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे वो पक्के दिल 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 थे, वो दिल थे दिल 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 थे। नकुल का फोन? ही राम जी, अगर सिड ने नकुल से बात कर ली तो नकुल को पता चल जाएगा कि सिड ने उसे कोई मैसेज नहीं किया। ये तो एक अर्जेंट कॉल आ रहा था, मैं आता हूँ। मिल गया चांस आशी से अपना बदला लेने का। अब जब यहां तक आ ही गए हो तो आई होप मुझसे बात भी करोगे। मैं एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमसे कुछ भी नहीं करूंगी। I said. Thank you, Ramji. आपने नकुल को यहाँ भेज दिया। अब विधि की टेंशन खत्म हो जाएगी। मेरी बहन की शादी है। कैसे नहीं आता? नकुल? गीत, मुझे फ्रेश होना है। तुम्हारा? चल। नकुल, मेरी बात। नकुल ऐसे विधि को अवॉइड क्यों कर रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। सिड, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता हमारे से हाथ पकड़ने का। क्यों? तुम जब चाहे पूरे हक से मेरा हाथ पकड़ सकती हो, मैं नहीं पकड़ सकता। क्यों आशी, क्यों रोका मुझे वहां? जानती हो ना, मैं नकुल से नफरत करता हूं। फिर क्यों? मुझे सबके सामने इग्नोर कर रहे हो, मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम ना किसी के भरोसे के लायक ही नहीं हो। मैं पागल हूँ, पागल जो तुम पर विश्वास किया। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। वी 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 प्लीज 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 मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी नकुल। प्लीज 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 बैठो ना एक बार। प्लीज 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 एक बार बैठो ना। प्लीज
देखो जब से तुमने मुझे बताया ना कि तुम प्रेग्नेंट हो मैं सीरियसली घबरा गया था. अभी मेरा खुद का फ्यूचर नहीं है, मैं इस बच्चे को क्या फ्यूचर दूंगा. सबसे पहले बिजनेस सेट करना है यार, और सिडनी मुझे यहाँ बिजनेस फंड्स देने के लिए ही बुलाया है ताकि हम दोनों साथ में बिजनेस स्टार्ट कर सके. प्लीज प्लीज मेरी बात को समझो. तो और क्या करते, हम जानते हैं कि तुम नकुल से नफरत करते हो, पर वो सिर्फ हमारी वजह से. जब हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं तो नफरत कैसे. देखो सिर्फ तुम्हारी शादी गीत से हो रही है और नकुल गीत का भाई है, तो दोस्ती तो करनी होगी ना तुम्हें नकुल से. खुश हो ना, मैं गीत से शादी कर रहा हूं. हाँ हाँ दिल कहता है तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाए, तुम्हारे साथ जिए तुम्हारे साथ मर जाए, तो जान लो ना चाहेंगी तुम्हें इतना. हेट यू आशी, नफरत करता हूं मैं तुझसे. आखिरी दम तक मौत भी हमें नहीं कर सकती जुदा. चाहेंगे तुम्हें इतना. अब यही मेरी एक आखिरी उम्मीद है सिड, एक बार उससे बात हो जाए फिर मैं अपनी फैमिली से हमारी शादी के बारे में बात करूंगा. राइट प्लीज. आई एम रियली सॉरी, मुझे इग्नोर नहीं करना था तुम्हें, बस मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था. आई एम सॉरी वी, आई लव यू. आशी आशी जी, मेरी बात हो गई नकुल से, वो शादी के लिए मान गया है. वो बस कह रहा था कि शादी के पहले उसे थोड़े से फंड्स अरेंज करने, बिजनेस सेट करना चाहता है वो. और पता है सिड उसकी हेल्प कर रहा है फंड्स अरेंज करने में. इनफैक्ट वो तो ये भी कह रहा था कि सिड ने उसे खुद यहाँ बुलाया है. थैंक यू आशी, तूने आज तक मेरी इतनी हेल्प की है. अब बस सिड उसके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा दी. क्या दी? नकुल को सिड के फोन से मैसेज हमने किया था. सॉरी दी, पर नकुल को यहाँ बुलाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था. दी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो. हम है ना, हम सिट से बात करेंगे, हम जाके उसको मनाएंगे. हो सकता है वो मान जाए. तुम करोगी ना सिट से बात? तुम पक्का करोगी ना? प्रॉमिस करो मुझे ये, तुम करोगी? हाँ दी, हम बात करेंगे. परेशान हो जाओ. बाबा से कुछ बोल नहीं सकते, उन्होंने अपना सारा पैसा हमारे नाम पे फिक्स में डाल दिया है. वरना हम उन्हें मना लेते, वो नकुल की हेल्प कर देते. अब बस सिडी हमारी मदद कर सकता है. उसे मनाना होगा, उसे मनाना ही होगा. हमने पूछा ये सब क्या है? हकीकत. हाँ आशी, मैं हूँ. तुमसे और तुम्हारी यादों से घिरा हुआ, दिल में तुम, सांसों में तुम, हर बात हर जज्बात में तुम. शायद तुम जानती नहीं आशी, तुमसे कितना प्यार करता हूँ. हाँ मैं तुमसे नाराज हूँ इसलिए क्योंकि तुम मुझसे सच छुपा रही हो. फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ आशी. एक बार रोक लो. रुक जाऊंगा, एक बार कह दो ये सगाई मत करो. नहीं करूंगा, सब छोड़ दूंगा. प्लीज रोक लो आशी. नहीं सिर, आज हम तुम्हें नहीं रोकेंगे. जानते हैं इस कहानी की शुरुआत दीदी की प्रेगनेंसी से हुई, पर इसका अंत तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा. तुम हमारी जिंदगी के एक बहुत ही खूबसूरत गलतफहमी बनके, हमारी बचपने में शादी वाले पति बनके हमारी जिंदगी में आए, पर
हमारा पति, हमारा पति कुनाल है, तो हम पत्नी का हर कर्तव्य निभाएंगे, पर उससे पहले तुम्हारी यादें दिल से मिटाएंगे। उससे तुम भी हमें भूल जाओ। गीत अच्छी लड़की है, तुमसे प्यार करती है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। प्लीज आशी, बस एक बार कह दो कि तुम्हें मुझसे प्यार है, तुम्हारे लिए सब छोड़ दूंगा, ये रिश्ते नाते सब तोड़ दूंगा। एक बार रोक लो आशी। आशी, तुम्हारी हर एक बात मानी है मैंने, ये भी मानूंगा, लेकिन तुम कुछ कहोगी नहीं तो कैसे मानूंगा? प्लीज बता दो सच क्या है। प्लीज आशी, प्लीज कुछ तो कहो आशी। क्या कहे से तुम्हें, बार बार एक ही सच कह के थक गए हो। हमने तुम्हें कह दिया है, हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है सर, ये बच्चा हमारा है और हम इसकी देखभाल कर सकते, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, हम तुम्हें सगाई से रोकने के लिए नहीं आए थे, हम तो तुम्हें सगाई के लिए बधाई देने आए थे सर। बहुत खुश है हम तुम्हारे लिए। चलो कम से कम तुम हमारा पीछा तो छोड़ोगे ना सर। जानते हो कितना दर्द दिया था तुमने हमको। मैंने तुम्हें दर्द दिया? तुम जो मुझे दर्द दे रही हो उसका क्या? खुश हो ना, मूव ऑन कर रहा हूं, अब अच्छे से मूव ऑन करूंगा, सच में मूव ऑन करूंगा। कर सकता, तुम्हारा इंतजार करूंगा। हमें भूल नहीं सकते ना तुम, हमारी यादें नहीं मिटा सकते ना। चलो हम तुम्हारा काम आसान करते हैं। सिंह हमारा कितना भी इंतजार कर लो, सच तो ये है कि हम तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आएंगे, और ये सगाई करने से हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। आओगी आशी, मुझे अपने प्यार पे पूरा विश्वास है,
तुम मुझे गीत से सगाई करने से रोकोगी, तुम आओगी। हम आएंगे तुम्हारे पास से, लेकिन तुम्हारी सगाई के बाद तुमसे नकुल के लिए बात करने, तुम्हें रोकने नहीं। तुम मुझे रोकोगी आशी, आओगी मेरे पास, तुम्हें आना ही होगा। हमें नकुल से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा, वो ऐसे अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। यार प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज। I'm sorry, sorry बाबा, please try to understand ना। पर मैं क्या करूँ, family pressure है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आना पड़ा। वरना to be very honest, मुझे भी ये सब यहाँ पर आना पसंद नहीं है। Okay okay, अब एक बात बताओ, शादी का proposal लेके अपने dad के पास कब जा रहे हो? हाँ बहुत जल्द जाऊँगा, बस एक बार ये शादी खत्म हो जाए उसके बाद हमारी शादी की बात करेंगे। Bye, take care. Bye, love you too. विद्या दी को इतना बड़ा धोखा? कैसे इंसान हो तुम? तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली वो, तुम उनके जज्बातों के साथ खेल रहे हो। उनसे शादी का वादा करके यहाँ किसी और से शादी की बातें कर रहे हो। इतना नीचे कैसे गिर सकते हो नकुल? तुम्हारे दिल में खोट है। हम तुम्हें जी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। हम अभी जाके तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखाएंगे। तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। ओह माय गॉड, तू आशिक के दुपट्टे का, कहीं आशिक मुसीबत में तो नहीं? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नकुल, हमें नीचे जाकर गीता सेठ की सगाई रोकनी होगी। चल। नहीं आशिक,